कल इंडिया अपना पहला मैच हारेगा न्यूजीलैंड से धर्मशाला में। स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो की क्लिपिंग्स बना लें, मैं यहीं पर हूं, आप भी यहीं पर हैं। कल आइएगा मेरे पास और बताइएगा। पहले ही बता दिया था आपको, स्केड्यूल अनाउंस हुआ था तभी ट्वीट कर दिया था और कल भी ट्वीट किया, उससे पहले भी किया कि धर्मशाला में इंडिया नहीं जीत सकता न्यूजीलैंड से। ओ, गलत जगह पे मैच रखवा दिया आपने इंडिया वालों, बीसीसीआई वालों, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। जहां पर आप अफगानिस्तान से दिल्ली में खेल रहे हो, जहां से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप चेन्नई में खेले हो, जहां पाकिस्तान को आपने अहमदाबाद बुला लिया, न्यूजीलैंड से धर्मशाला में मैच रख दिया। क्या सोच नहीं है आपके, दिमाग कहां पर है? बादाम खाया करो यार, क्या करते हो? आपने धर्मशाला वो वेन्यू चूज किया जहां पर इंडिया का जीतने का चांस ही नहीं है। बैंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, चार वेन्यूज थे आपके पास खेलते न्यूजीलैंड से उधर। अब वो आपको ठोकेंगे, ठोका ठोका, ये कल होगा और अनडिफिटेड रहेगा न्यूजीलैंड, आपकी पहली हार कल आएगी। याद ही होगा आपको WTC फाइनल, आपको ये भी याद होगा सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2019 का। हमेशा से न्यूजीलैंड जो है ना आपके भारी रहता है। 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी आपको इंडिया में हराया है न्यूजीलैंड ने, याद है कि नहीं? तुम्हें याद हो कि ना हो, हमें याद है कि न्यूजीलैंड ICC ग्लोबल इवेंट्स में इंडिया पे भारी पड़ता है, हमेशा इंडिया को हराता है। और कल आपके सारे प्लेयर्स जो है ना, जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, नए नए प्लेयर्स कभी आ रहे हैं जी, शार्दुल ठाकुर जो है उनको बिठा देंगे, शामी आ जाएगा, और पता नहीं सूर्य कुमार यादव को चांस मिलेगा, हार्दिक पांड्या क्योंकि वो तो वैसे इंजर्ड हो गए हैं। अब वैसे एक रिपोर्ट आई है, ईशान किशन को मधुमक्खी ने, हनी बी ने स्टिंग काटा है पीछे गर्दन के, नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, रिस्ट पे बॉल लग गई है सूर्य कुमार यादव के, वो भी डाउटफुल हैं कल के लिए। आपके नेट सेशन हो रहा था धर्मशाला में, दो प्लेयर्स आपके कल डाउटफुल हो गए हैं, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, पता नहीं वो खेलते हैं नहीं। लेकिन टिम साउदी फिट हो रहा है, टिम साउदी आ रहा है वापस कल इंडिया के अगेंस्ट धर्मशाला में, और आपको पता चलेगा जो लोगों के लिए गड़ा खोदते थे ना धर्मशाला में मैचेस करा के, खराब आउटफील्ड भी आपने टीम्स के प्लेयर्स इंजर्ड करने की कोशिश की है, कल अपने प्लेयर्स बचाओ वहां पे, ये आपके साथ कारनामा हो जाए ध्यान से, क्योंकि वो जो गंदी आउटफील्ड है ना वहां पे बहुत सी टीम्स, बांग्लादेश, इंग्लैंड, सारे खेल के अपने प्लेयर्स जो थे ना इंजर्ड करवा बैठे थे, ऑलमोस्ट बाहर करवा बैठे थे वर्ल्ड कप से। अब आपकी बारी, आप एक मैच आपने धर्मशाला में खेलना है, और आप याद रखोगे कल की पेस्टिंग, कल की बीटिंग, कल की थंपिंग, कल की थ्रैशिंग एट द हैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो कभी किसी छोटी टीम से नहीं हारती, न्यूजीलैंड हमेशा बड़ी टीम से हारी है, टॉप 8 टीम से हारती है, वो नहीं अपसेट होगी आपसे, ना हो पाएगा। इंडिया गलत वेन्यू पे रख दिया, और ये वीडियो कल याद आएगी, ये हर जगह पर लगाओगे, ट्विटर पर, फेसबुक पे, मुझे टैग करो @_FaridKhan, आओ ट्विटर पर बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि कल आप हारोगे। इतना कॉन्फिडेंट में हुआ नहीं कभी लाइफ में जितना मैं अब हूं, क्योंकि मुझे नजर आ रही है न्यूजीलैंड की जीत, लिखी हुई है, राइटिंग ऑन द वॉल है, सामने मुझे नजर आ रहा है, मुझे अपना सारा मैच कल जो है ना मेरी आंखों के सामने अभी से है। मुझसे पूछ लो कल क्या होगा, कौन कितना स्कोर करेगा, कोहली क्या करेगा, रोहित क्या करेगा, बुमराह क्या करेगा, सारा आपको बता दूंगा, और ट्रेंट बोल्ट क्या करने वाला है कल ये भी बताऊंगा, टिम साउदी क्या करने वाला है, लॉकी फर्गसन क्या करने वाला है, कॉनवे कैसा स्टार्ट देगा, रविंद्रा क्या करेगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको। आपको लिटरली कह रहा हूं लिख लो अभी, कल का मैच देखना ही ना छोड़ दो, संडे जाया हो जाएगा, संडे कैसा गुजरा पड़ोसियों, ये कल पूछूंगा आपसे, याद रखना इरफान पठान की लैंग्वेज में। तो बताओ, कमेंट करो, कौन कौन कॉन्फिडेंट है कि इंडिया असल में जीतेगा, कोई इंडियन फैन है यहां पे जो कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि हाँ न्यूजीलैंड को हरा लेंगे? आज तक तो हराया नहीं आपने न्यूजीलैंड को ICC इवेंट्स में, अब कहां से हराओगे? याद ही होगा आपको 2019 का सेमीफाइनल, याद है या नहीं, जो बाहर हो गए थे वर्ल्ड इवेंट से, WTC का फाइनल याद है या नहीं, 2016 का T20 वर्ल्ड कप आपके अपने होम ग्राउंड में, सारा कुछ बताओ, कमेंट करो पाकिस्तान फैंस, कमेंट करो इंडियन फैंस, कौन जीत रहा है कल, प्रिडिक्शन दो मुझे अपनी कमेंट्स में।